आनंदी खम्मा गनी। जय श्री कृष्ण अंबिका दीदी। उफ, तुमसे मिलने के लिए कब से बेताब थी मैं, पता है? मैं भी पता है, मेरी मम्मी आपके बारे में बहुत बातें करती है कि कैसे आपने आनंदी का किरदार निभा के बालिका वध सीजन 1 में सबका मन मोह लिया था। फेवरेट हुआ मम्मी की और अब से मेरी भी। सो स्वीट, थैंक यू आनंदी। मुझे पता है कि सीजन 2 में ना तुम भी सबके दिल पर घर बनाने वाले हो अपने अनोखे अंदाज से। कोशिश तो पूरी जारी है। और दीदी, क्या आप मुझे थोड़े टिप्स दोगी आनंदी का किरदार निभाने के लिए और सबके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए? सबसे पहले तो तुम्हारे इस चुलबुले अंदाज को ऐसे ही बनाए रखना, अपना बेस्ट देना। और हाँ, जिगर उसे ना बहुत तंग करना तुम। मैंने भी हमारे सेट पर बहुत मस्ती की थी, मेरे जग्या को भी बहुत परेशान किया था मैंने, बहुत टांग खींची थी उसकी। सच्ची? मैं भी उस जिगर की नाक में दम कर रखा है मैंने। ओह, ये हुई ना बात। अच्छा आनंदी, अब एक सीरियस सवाल, मुझे बताओ तुम्हारे लिए ये शो बालिका वधू क्या मायने रखता है? मेरे लिए ये बहुत बड़ा मौका है सबसे जुड़ने का, कुछ सीखने का, और एक जरूरी बात, इस बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ एक नई जंग शुरू करने का। और आपके लिए? मेरे लिए तो बालिका वधु ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। कलर्स को हमेशा के लिए मेरी लाइफ का हिस्सा बना दिया, एक फैमिली बना दिया। बहुत स्पेशल है ये शो मेरे लिए। वैसे आनंदी, पता है मैं भी ना तुम्हारे जितनी छोटी थी जब मैंने आनंदी का किरदार निभाया था, मुझे तो बहुत डर लगता था, बहुत डरी हुई थी मैं। धीरे धीरे डर भाग गया था एकदम, पर क्या तुम नर्वस हो क्या? हाँ, थोड़ी थोड़ी, पर मुझे तो बहुत मजा आता है। पता है दीदी, मुझे तो एक नया परिवार मिल गया है। अरे वाह, मुझे ना पूरा यकीन है जितना ये शो बड़ा है उससे ज्यादा ये किरदार बड़ा होने वाला है। सबके जुबान पे होगा तुम्हारा नाम। दीदी पता है, मुझे हमेशा से आपसे ये सवाल पूछना था, आपके सोशल रिलेटेड कौन सी सबसे स्पेशल मेमोरी है? मेमोरीज तो बहुत सारी हैं। सबसे स्पेशल, हाँ, सेट पर ना सब लोग मेरे टीचर बन जाते थे, एग्जाम के वक्त सब पढ़ाते थे मुझे, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। और दीदी, टेंशन के टाइम आप सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते थे? मैं टेंशन लेती ही नहीं थी, हंसते खेलते सब इजीली हो जाता था, और जग्या था ना मेरा साथ देने के लिए। अच्छा मुझे ये बताओ आनंदी, गुजराती थोड़ी बहुत तो सीख ली होगी ना तुमने? दीदी मैं तो गुजराती छू। अरे वाह, तब तो आसान हो गया। चलो बताओ, गरबा मेरा फेवरेट है, इसे गुजराती में कैसे बोलोगे? गरबा मने बहुत प्रिय है। ओह क्यूट। जिगर और मैं बहुत मस्ती करते हैं, अब ये बोलो। जिगर अरे हूँ बहुत मस्ती करिए। दीदी पता वो जिगर मुझे भी बोलता है और आपको नक्षरी आनंदी याद है? ऑफ कोर्स याद है, कैसे भूल सकती हूँ मैं, लेकिन दोस्ती की शुरुआत भी तो ऐसे ही होती है। वैसे आनंदी, मैं आज तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। बस जाने से पहले अपने सारे दर्शकों को बस यही दरख्वास्त करना चाहूंगी कि जो बेशुमार प्यार आपने हमें बालिका वधू सीजन 1 को दिया, मैं चाहती हूँ कि बालिका वधू सीजन 2 को भी आप उतना ही प्यार दें। थैंक यू दीदी, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपको ढेर सारा प्यार। थैंक यू। तो आप सब देखना ना भूलिएगा बालिका वधू सीजन 2 रात 8 बजे ओनियन कलर्स पर, और मिलिए इस नटखट और चुलबुली आनंदी से।